आस्था टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें संत महात्माओं के श्रीमुख से सुनाई गई कथाएं, प्रवचन, भजन और बेल आइकन दबाकर पाएं हमारे चैनल की ताजा अपडेट। महाराज, सब मेरा हो, सब मेरा हो, पर एक अपनी जिभ्या, एक अपनी नेत्र, श्रवण, कुछ इंद्रियां ऐसी हैं जिसको भगवान को समर्पित कर कर रहना। तुम बोलोगे नहीं मानेंगी, दुखी होगा। बेटों को बोलोगे बच्चे नहीं मानेंगे, दुखी होगे। तो बोलना ही क्या, मस्ती में रहो। जो बना है तुम्हारा मन है दाल खाने का, मस्ती में खाइए, अलमस्त होकर बड़े प्रेम से। और स्कंद पुराण तो कहती है कि अगर चटनी रोटी भी खा रहे हो तो ये समझ कर खाना कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं। और कभी मत कहना कि मेरी बहू ने चटनी रोटी बनाकर खिलाई, कहना मेरे को रसगुल्ला खिलाया। स्कंद पुराण कहती है 3 दिन तक लगातार रसगुल्ले को याद करोगे, 4थे दिन रसगुल्ला तुम्हारे सामने होगा, यह पक्का है, ये पक्का। प्रैक्टिकल करना, ऐसा नहीं कि सीवर वाला महाराज कहीं झूठ बोल के चले जाए, प्रैक्टिकल जरूर करो। हम पहले भी कथा में बोले प्रैक्टिकल करना जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहा तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा, तो हमको ज्ञान दे रहा, तेरे भाई को क्यों नहीं देता। महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने अपने प्रवचन में कहा भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूं, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। बात तुझे समझना, समझ तुझ में होना चाहिए, तू क्या समझे, या तो मुंह से समझ जा। तो मेरा निवेदन है, आपको ऐसा लग रहा हो सीवर वाले महाराज झूठ बोल रहे हो, मिश्रा जी झूठ बोल रहे हो, तो प्रैक्टिकल करके देखना 3 दिन तक आपके मन में जो भाव आएगा। आज मुझे मेरे को पूरनपोली खाने की याद आएगी, 2 दिन 3 दिन तक तुम पूरनपोली को याद रखो, 4थे दिन कहीं से भी पूरनपोली पक्का, विश्वास कर कर भरोसा तुम याद करो। और कई बार आपके साथ हुआ होगा, ऐसा कोई नहीं जिसके साथ नहीं हुआ, तुम याद करती कई बार कि मेरे को ऐसा करना और वो चीज सामने हो जाती है, तुमने याद करा 2 दिन 3 दिन तुम्हारे बस किसी किसी से मिलने की भी ले लगता होती ना कि मुझे इससे मिलना है, मेरे को उसको फोन पे बात करना है, और तुम नहीं भी फोन लगाओगी तो उसका उपद के फोन आ जाएगा पक्का, क्योंकि ये दिल का कनेक्शन है, दिल का। पहले तो मोबाइल नहीं चलते थे जी जियो, चलते थे क्या, ये आज के समय में चलने लगे, पहले मोबाइल नहीं चलते थे, पर इसके बाद भी अगर माँ और बेटी का संबंध होता था, बाप और बेटे का संबंध होता था, भाई भाई का संबंध होता था, गांव से एक ललकता लगी होती थी जिसको तुम याद करते थे, वो याद कर कर कैसे भी अपने पास में सूचना पहुंच जाती थी और उससे मिलन हो जाता था। ये प्रेम इसने